नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा सलाम मुबारक। और हम बहुत ही खुश हैं कि आज आपसे हमारी मुलाकात हो सके। हमारे बीच में आज पास्टर विकास मसीह आए हैं जो जयपुर भारत से हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आप जानते हैं, आप एक धर्म प्रचारक हैं, प्रभु के वचन को बांटते हैं लोगों पर, अपने विश्वास को बांटते हैं। आज दुनिया में बहुत सी धर्म है, बहुत सी विश्वास है, बहुत सी विभिन्न विचारें हैं। इन विचारों में आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसको उसकी सेवा करते हैं, ऐसा क्या विशेषता है जो आप उसको चुने? जी ब्रदर मोसेस, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी विचारधाराएं हैं, मान्यताएं हैं। सबसे पहले जो मैं आपको डेफिनेशन देना चाहता हूँ, धर्म की जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई उसमें बड़ी थियोलॉजी नहीं है, बड़ा ज्ञान नहीं है। संत तुलसीदास जी ने कहा, प्रेम धर्म का मूल है। प्रेम धर्म का मूल है, फाउंडेशन है। अगर कोई धर्म है उसका जो फाउंडेशन है वो प्रेम है। पाप मूल अभिमान, और जो अभिमान है, जो घमंड है, वो पाप को लेकर आता है। बिल्कुल। जहां दया वहां धर्म है, जहां क्षमा वहां आप, अर्थात परमेश्वर वहां है, सच्चाई वहां है, धर्म वहां है जहां प्रेम है, जहां क्षमा है, जहां पर सच्चाई है। जी। इन बातों से मिलकर जो है वो एक धर्म की एक व्याख्या है, एक डेफिनेशन है। और आगे आपने जो सवाल पूछा कि बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं, बिल्कुल यही तो कोशिश है मनुष्य की, परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तित्वाने देखी सूरत तैसी। अर्थात ये एक अच्छी बात है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा है, और जब आप ढूंढते हैं, आप प्रयास करते हैं, तो वो एक प्रयास है आपका, और जब आपको मिल जाता है तो वो आपकी परिपूर्ति हो जाती है, आपका ज्ञान, आपका लक्ष्य पूरा हो जाता है। तो बाइबल यही बताती है कि परमेश्वर को मनुष्य ढूंढ रहा है, और संसार में बहुत से देश हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, हर देश में अपनी लोगों की मान्यताएं हैं, सोच हैं, और वो सब परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और अगर वो ढूंढ रहे हैं तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर उस ढूंढ में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर है। अर्थात मनुष्य ही परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है कि मनुष्य मुझे ढूंढे, मुझे जाने, मुझे प्राप्त करे। तो बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन आपका सवाल है कि जो मसीह विचारधारा है वो कैसे विभिन्न है, क्यों विभिन्न है। देखिए, इसके लिए आपको शुरू से जानना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप कोई एक मूवी, एक फिल्म है, और आप उसको बस 10 मिनट देखें, या बीच में जाएं और एक थोड़ा सा देखकर वापस आ जाएं, तो पूरी कंप्लीट स्टोरी नहीं मिलेगी, कंप्लीट स्टोरी नहीं मिलेगी। तो लोग, आपने देखा है, मूवी थिएटर में जाना चाहते हैं तो वो पहले पहुंचते हैं, टाइम से पहले। बिल्कुल। और जब बिल्कुल पहला सीन शुरू होता है तो वो वहां बैठ के मूवी को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर वो पूरी मूवी देखते हैं। अर्थात जब आप पूरी पिक्चर देखते हैं तब आपको बात समझ में आती है। तो जब आप कह रहे हैं कि मसीह विचारधारा क्यों अलग है, विभिन्न है, इसके लिए आपको इधर उधर से नहीं, लेकिन आप विचारधारा को पूरा समझना पड़ेगा। मसीह विचारधारा इसलिए अलग है क्योंकि संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, या जितने भी विश्वास हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, इंक्लूडिंग पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम, जिसको यहूदी धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है, यहाँ पर इन सभी जगहों पर एक ऐसे परमेश्वर की बात की जा रही है, या परमेश्वर है जो इनविजिबल है, अदृश्य परमेश्वर है, जिसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ, पुराने नियम में भी लिखा है, नए नियम में भी लिखा है। गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। हमारे कुछ भाई लोग हैं जो कहते हैं परमेश्वर जो है वो निराकार है, तो हम भी मानते हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक पढ़ें, जो हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में शुरू में जो 39 किताबें हैं उसको आप पढ़ें, आपको एक निराकार परमेश्वर ही दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते, मैं बात कर रहा हूँ पूरी फिल्म की, अभी आप अगर पुराना नियम पढ़कर ही छोड़ देंगे तो भी आप परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। वो परमेश्वर जो निराकार है, वो परमेश्वर जो अदृश्य है, उसको आप नहीं जान पाएंगे। लेकिन जब आप नया नियम पढ़ते हैं, वो लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है, और वो वचन देहधारी हुआ, मनुष्य बनकर परमेश्वर संसार में आया। हिब्रू 10:5 में भी ये लिखा कि परमेश्वर मनुष्य देह धारण करके संसार में आया। तो जो हमारे फेथ की, हमारे विश्वास की जो फाउंडेशन है, वो यही है कि परमेश्वर मनुष्य बना और हमारे बीच रहा। बिल्कुल। इसलिए मसीह विचारधारा अन्य विचारधाराओं से बहुत अलग है। हम सभी विचारधाराओं का, मान्यताओं का आदर करते हैं, लेकिन जब हम कुछ ढूंढते हैं और वो ढूंढ जब तक हमारी कोशिश किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचती, तो मसीह विचारधारा एक रिजल्ट पर पहुंची हुई विचारधारा है। हमने परमेश्वर को ढूंढ लिया है, या हम दूसरे शब्दों में कहें
कि परमेश्वर ने हमें ढूंढ लिया है। बिल्कुल, हम परमेश्वर को जानते हैं। जी हाँ, जो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया है हम उसे जानते हैं। आप जब कौन सी उम्र में ईश्वर का अनुभव किया, आप कैसे अनुभव किया? ये बस भाई एक लंबी यात्रा है, आप एक दिन में या एक घंटे में परमेश्वर को नहीं जान पाते, लेकिन हाँ मैं 14 साल की उम्र से परमेश्वर को जानने का मेरे अंदर एक प्रयास था। जब मैं चीज़ों को देखता था, संसार को देखता था, क्योंकि मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो लोग आगरा में ताजमहल को देखने आते हैं तो उसकी भव्यता की, उसकी सुंदरता की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ। और फिर उनके मन में आता है कि ताजमहल कैसे बना, किसने बनाया, कब बना, कितना पैसा लगा। ताजमहल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उनके पास होते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप ताजमहल देखने जाएंगे तो आपको बाहर एक किताब मिलेगी जिसमें उस ताजमहल से संबंधित सारी बातें हैं। बिल्कुल। कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, सारा विवरण मिलता है। तो जब अगर ताजमहल को देखकर आपके मन में इतना बड़ा सवाल आता है, इतने सारे सवाल आते हैं, तो संसार को देखकर आपको सवाल क्यों नहीं आता? बिल्कुल। ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसका सूर्य के साथ क्या संबंध है, ये दूरी है, इतने सारे फल फूल हैं, आप भव्यता देखिए, सुंदरता को देखिए। तो 14 साल की उम्र में मेरे मन में ये सवाल था कि मैं उस परमेश्वर को जानूं और वो परमेश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। उसके लिए मैंने कई धर्म ग्रंथ पढ़े, लगभग मैंने 544 धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, कई लोगों ने इसमें मेरी सहायता की, कई स्थानों पर मैं गया, मैं परमेश्वर को जानना चाहता था, मैं किसी धर्म के पीछे नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं परमेश्वर को कैसे जान सकता हूँ। बिल्कुल। और मैं कह सकता हूँ कि अंततः मैंने उसको नहीं, लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया। यीशु मसीह ने आपको पाया, परमेश्वर ने आपको पाया। जी। तो आप जब यीशु मसीह के पीछे एक अनुयायी, उसके एक चेले हैं, या उसके उसको जाने चखे हैं, अपने अनुभव किया, कौन सी ऐसी विशेषता जो आपने यीशु मसीह की देखी जो आपको बहुत आकर्षित करिए, आप बहुत उत्साहित उत्तेजित हुए? देखिए, यीशु मसीह से पहले जैसा मैंने कहा कि एक अदृश्य परमेश्वर का वर्णन हमको बाइबल में मिलता है। जी। आप उस अदृश्य परमेश्वर के विषय में पढ़िए। बाइबल कहती है वो महान है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, पवित्र है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, जिसके विषय में बहुत सारी बातें, अगर मैं वो सारी बातें अगर एक्सप्लेन करूँ तो बहुत घंटे का पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन बात आगे स्टोरी ये है कि वो महान परमेश्वर, अगम्य सनातन परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर मनुष्य बन गया। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी है। जी। ये सबसे बड़ी बात है जिसके विषय में नील आर्मस्ट्रांग ने भी कहा कि चांद पर चलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं चांद पर गया कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह जिसने चांद को बनाया वो हमारे बीच में रहा। राइट। चार्ली ड्यूक जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे वो भी इस बात को कहते हैं कि जब मैं चांद पर, जब मैं वॉक कर रहा था तो मेरा ध्यान पृथ्वी पर गया और मैंने देखा कि पृथ्वी जो है वो हवा में खड़ी हुई है। इसको सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। बिल्कुल। वो परमेश्वर हमारे बीच मनुष्य बनकर रहा। और जब मैं यीशु मसीह को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो किसी रथ पर सवार नहीं था, उसके हाथ में कोई तलवार नहीं था, उसने कभी कोई झगड़ा नहीं किया, कोई युद्ध नहीं किया, उसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली, कोई धार्मिक बात नहीं निकली, और उसने संसार को जीत लिया। आप उसका जीवन देखिए, जैसा मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, मूवी का उदाहरण देता हूँ, पूरा स्टोरी, आप पूरी स्टोरी देखिए, पूरी लाइफ देखिए, बीच में जाएंगे थोड़ा सा देखकर आ जाएंगे आप नहीं समझेंगे, आप उसके जीवन को देखिए। ये जो हमारे याद में पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसका नया नियम अगर आप पढ़े, यीशु मसीह का जीवन, उसकी शिक्षा, उसके उसके प्रभाव को आप देखिए, उसने लोगों से कैसे बात की। मैं उदाहरण से एक बात करना चाहता हूँ, आप और मैं शायद कोड़ी के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, या पापी लोगों के साथ, दुष्टों के साथ में हम संगति करना पसंद नहीं करेंगे। कोई विविचारणी व्यक्ति है, विचार व्यक्ति है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज में कोई नाम नहीं है, बिल्कुल, हम क्यों उसके संग बैठेंगे? हम राजाओं के संग बैठना चाहते हैं, हम अधिकारियों के संग बैठना चाहते हैं, हम बड़े लोगों के साथ मित्रता करने चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या देखता हूँ, संसार का स्वामी वो कमजोर लोगों के साथ में बात कर रहा है, उनके संग खाना खा रहा, उनके जीवन को बदल दिया, और वो किस तरीके से हमारे लिए संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मारा गया, गाड़ा गया, बोल देने से कुछ नहीं होगा, इसको आपको समझना है, इसको गहराई में जाना पड़ेगा। तो वो परमेश्वर हमारे लिए संसार में मनुष्य बनकर आया, उसने हमें हमसे क्या बातें की, हमें क्या शिक्षाएं दी, ये बातें अद्भुत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसा मैंने आपको कहा कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो जब वो परमेश्वर हमारे सामने है तो हमें उसको जानना है और उसको स्वीकार करना है। वी मस्ट बिलीव इन द ट्रुथ। यहाँ दोस्तों, यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सत्य की खोज को करें कि सच्चाई क्या है। आप जैसे बता रहे हैं कि यीशु मसीह की जो गुणता है, आपने बताया उसके जो उनके जो विचार थे, उनके जो कार्य थे दुनिया में, बहुत विभिन्न थे, परमेश्वर के बारे में, पिता के बारे में बताते रहे, उनका संबंध था, क्या वो जैसा संबंध वो पिता से था, क्या एक साधारण इंसान
एक पापी इंसान इस पवित्र परमेश्वर से कर सकता है? देखिए, यही तो मिस्ट्री है, यही मसीहत है। जैसा मैंने आपको कहा कि संसार में जितनी भी मान्यताएं हैं, सोच हैं, उसमें आपको दिखेगा कि मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी योग्यताओं से हम परमेश्वर को कुछ ऑफर कर रहे हैं, कुछ ऑफर कर रहे हैं ताकि हम उस परमेश्वर के पास जा सकें, उसको जान सकें, उसके साथ हमारा संबंध हो। लेकिन इसके विषय में भारतीय दर्शन शास्त्र और पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ ना योगिन न सांख्यन कर्मणा नो न विधाया ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता। अर्थात ना आपके योगा करने से, ना माला जपने से, ना तीर्थ स्थलों पर जाने से आप किसी भी प्रकार से उस परमेश्वर को ब्राइब नहीं दे सकते। परमेश्वर इतना महान है, अगर आप पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर की जो पहली पहचान है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो है गॉड इज होली। परमेश्वर पवित्र है। और आप यूं मान के चलिए कि उसकी पवित्रता एक आग के समान है। अगर आप आग की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? जल जाएंगे। बिल्कुल। तो पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर की पवित्रता का वर्णन करता है, और इसलिए लिखा हुआ है कि जब राजा सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया तो प्रार्थना की गई, विनती की गई कि प्रभु जी आप इस मंदिर में आइए, ये मंदिर आपके लिए तैयार है। और वहां लिखा है कि परमेश्वर का तेज इतना भर गया कि याजक और जो लोग दूसरे लोग थे वो भाग गए, वो गिर गए, वहां से वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े नहीं हो पाए। मूसा के लिए लिखा है कि मूसा जब परमेश्वर से बात कर रहा था और वो आगे बढ़ रहा था, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा रुक जाओ, तुम आगे मत आओ, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है कि अगर आप उधर जाएंगे तो आप जल जाएंगे। अगर आप आयदा 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि वहां पे परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, और जो यशा नबी है वो परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा है कि मैं मरा जा रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और वहां स्वर्गदूत खड़े हैं और उन स्वर्गदूतों ने अपनी आंखों को ढक लिया है क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना अगम्य पवित्र है, आग के समान। अब उस परमेश्वर के साथ संगति आप कैसे कर सकते हैं? उसको आप क्या चढ़ावा देंगे, उसको आप क्या दान देंगे, उसको आप क्या ब्राइब देंगे, आप उससे कैसे समझौता करेंगे? तो एक पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए स्वयं परमेश्वर के पास ही कोई उपाय होना चाहिए। तो उसके विषय में एक हमारी बड़ी अच्छी सुंदर कहानी है जो भारतीय इतिहास में है। एक धनवान व्यक्ति रेलवे स्टेशन से उतरा और रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसके पास बहुत सारा सामान था, बैग्स था, उसके पास लगेज था, तो वो कुली ढूंढ रहा था, उसे कोई कुली नहीं मिला। उसने एक जवान व्यक्ति को बोला कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप मेरा सामान उठा लो। तो वो उस जवान व्यक्ति ने वो सामान उठा लिया और वो चलने लगे। फिर वो एक स्थान पर, एक घर पर पहुंच गया, और वो जो व्यक्ति था, धनवान था, उसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि ईश्वरचंद विद्यासागर जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो उसने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, तो वो जवान व्यक्ति जो खड़ा था उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा कि आप ये सामान रखो, चले जाओ, और आपके जो पैसे हैं लेके चले जाओ। तो वो जवान व्यक्ति बोला, नहीं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, आप कौन हो? कहा कि मेरा नाम ईश्वरचंद विद्यासागर है, जिसका आप दरवाजा खटखटा रहे हैं, जिसको आप ढूंढ रहे हैं। तो वो व्यक्ति उनके पैरों में गिर गया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो व्यक्ति ईश्वरचंद विद्यासागर जी को नहीं जानता था, उसका इमेज अलग था, कॉन्सेप्ट अलग, नहीं जानता था, उनकी एक डेफिनेशन होगी। इसलिए आज आपकी परमेश्वर की जो डेफिनेशन है, परमेश्वर के विषय में जो सोच है, जब तक आप पवित्र शास्त्र बाइबल का नया नियम नहीं पढ़ेंगे आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर एक सीक्रेट रहेगा आपके लिए, एक रहस्य रहेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, मेरा दावा है कि अगर मैं पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम भी आपको दे दूं, जैसे हमारे यहूदी भाई लोग हैं, उनके पास में पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम का अध्याय है, और अगर आप उनसे पूछे कि आप परमेश्वर को जानते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हाँ परमेश्वर है लेकिन हम उसे नहीं जानते, या वो ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो है नहीं, या वो जिसको वो ठीक से नहीं जानते, अगम्य है, अदृश्य है, यहोवा परमेश्वर है। लेकिन इसी बात को आपको जानना है कि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर संसार में आया, उसने अपनी महिमा को फिलिपींस चैप्टर 2:4 ऑनवर्ड्स लिखा है, दास बन गया, खाली कर दिया, सेवक बन गया। आप उसके पास नहीं जा सकते थे, इसलिए वो आपके पास आया। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, शायद वो उदाहरण आप समझ पाए। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, अचानक आपको एक फोन आता है कि आपका बेटा जो है वो एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक फोन करेंगे कि मेरे बेटे को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दो, या उसे फलाने हॉस्पिटल में ले जाओ, या उसका उपचार करो। आप ये करेंगे या आप कुर्सी से उठ जाएंगे, उठकर भागेंगे। बिल्कुल। आप प्रधानमंत्री हैं, आप बैठकर भी बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं। बिल्कुल। जो आप कहेंगे वो होगा,
सारे हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे, सारे लोग आपकी सेवा में, लेकिन ऐसे फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? यही सीक्रेट इस पवित्र शास्त्र बाइबल में है। परमेश्वर महान है, अगम्य है, सनातन है, पवित्र है, उसके तुल्य कोई नहीं है, और वो अपने सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन जब पापी ने उसे पुकारा, भारतीय दर्शन में प्रार्थना है, पापों पापात्मा पापकर्मा पापसंभा त्राहिमाम पुण्यक्षाम सर्व पाप हरि हरि, परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए। ऋग्वेद में भी पांचवें मंडल में सातवें मंडल में ये लिखा है, परमेश्वर हम पापी हैं। दाऊद का भी यही वचन है, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थल है, तुझमें मैं छिप सकता हूँ, तू मेरा सहारा है, बिल्कुल मैं तुझसे और दूर कहाँ जाऊँ। एक बच्चा जब गिर जाता है तो वो माँ को या पिता को पुकारता है, तो माँ या पिता जो है वो दौड़ कर आएगा। यही तो पवित्र शास्त्र बाइबल का संदेश है कि जब मनुष्य ने परमेश्वर को पुकारा, उसको पुकारा, उसको जानना चाहा, वो परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। मैं एक बाइबल का वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, कुलिसियों उसका पहला अध्याय 26 पद में लिखा है, वो एक भेद था जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। परमेश्वर एक भेद था जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, लेकिन आगे लिखा है परमेश्वर ने उसे पवित्र लोगों पर प्रकट किया। ये पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग वो हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर एक बुद्धिमान को ढूंढ रहा है जो उसे ढूंढ रहा हो। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर को ढूंढ रहा है। और भाई मोसेस, अगर आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, आप उसे निश्चित मिल जाएंगे। देखिए, आप 100 महिलाओं को खड़ा कर दीजिए, स्त्रियों को खड़ा कर दीजिए, और उन स्त्रियों में से उनका एक बच्चा, किसी एक का बच्चा आप बैठा दीजिए, जिसकी उम्र 2 साल हो या 5 साल हो, तो आप मुझे बताइए वो बच्चा किसके पास जाएगा? अपनी माँ के पास। अपनी माँ के पास, अर्थात वो 100 स्त्रियों में अपनी माँ को पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि वो माँ के प्रेम को, उसके स्पर्श को जानता है, उसकी ममता को जानता है, उसके उसके स्वभाव को जानता है। तो अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को, उसके प्रेम को अगर आप जानते हैं, उसने आपको बनाया, ये अगर आप जानते हैं और ढूंढ रहे हैं आप, तो आप निश्चित उसे पहचान लेंगे। बिल्कुल। और यही परमेश्वर चाहता है। और मैं एक बात बताकर आपको और उत्साहित करना चाहूंगा, आपकी जो खोज है उसमें स्वयं परमेश्वर आपकी सहायता करने को तैयार है। वाह। आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर पेड़ के पीछे नहीं छुपेगा, वो आपकी सहायता कर रहा है। परमेश्वर दीवार के पीछे नहीं छिप जाएगा कि मुझे और ढूंढो, वो आपको तड़पाएगा नहीं। वो ऐसा नहीं कि किसी पेड़ पर जाकर छिप जाए या जंगल में छिप जाए। जब वो देखेगा कि उसका बच्चा, उसकी संतान, उसके लोग, उसकी प्रजा उसे ढूंढ रहे हैं, वो आगे बढ़कर, यही तो परमेश्वर चाहता है। बिल्कुल। तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे मिल जाओगे। लिखा है, एक वचन पढ़ना चाहूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से ढूंढोगे। अगर आप ढूंढने का नाटक कर रहे हैं या ढूंढने की आप बस एक हल्की फुल्की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलेगा और निश्चित मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप ईश्वर की खोज में हैं तो जरूर हम यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें संपर्क करिए, हमारा टेलीफोन नंबर नीचे दिया गया है, और हम जरूर आपकी सहायता करेंगे कि आप उस सच्चे दैवत, उस अगम्य परमेश्वर को जान सकें। और ये हमारी इच्छा है कि आप उससे खोजते रहें, और अगर आप सच्चे दिल से खोजेंगे, जैसे भाई ने कहा, वो भी आपकी सहायता करेगा, वो भी आपकी सहायता करेगा, और आप उसको जरूर पाएंगे।